25 फरवरी की रात को एंटीलिया के बाहर एक एक्सप्लोसिव लेडन व्हीकल स्कॉर्पियो पाया गया। इसने मुंबई की सियासत को तो पूरी तरह हिला के रख दिया। इनफैक्ट पूरे देश की सियासत जो है वो गर्म हो चुकी। अब इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है कि बॉम्बे पुलिस के जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं सचिन वाजे, वो ये व्हीकल लेके गए थे। उन्होंने अंबानी हाउस के बाहर ये व्हीकल पार्क किया। ये बात उन्होंने एनआईए के सामने एक्सेप्ट की है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को एक्सप्लोसिव अंबानी हाउस के बाहर किस पर्पस से उन्होंने लगाए, ये बात जानने की है। और काफी लोग इससे सरप्राइज है कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। और ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट के इस एपिसोड में मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार आपके साथ यही पॉइंट डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सचिन वाजे की जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग है वो बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर को डायरेक्ट है, तो तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं ये बात जानने की है। महाराष्ट्र पुलिस का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि ये जांच एनआईए को सौंपी जाए, लेकिन जब इसके तार तिहाड़ जेल में बंद कुछ टेररिस्ट के साथ जुड़े पाए गए तो ये जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई। और उन्होंने आनन फानन में जो इन्वेस्टिगेशन के तार हैं वो सचिन वाजे से जोड़ दिए। अब ये बड़े सरप्राइजिंग सी बात है कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति, मीन्स जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बॉम्बे पुलिस का जाना जाता है, वो डायरेक्टली इस इंसिडेंट के साथ इन्वॉल्व हुआ। और इसी बात को लेकर पूरा देश चकित है कि जो कानून का रखवाला है वो कैसे कानून तोड़ने वाला बन सकता है। अगर ये मामला आइसोलेशन में है तो फिर इसका क्या कारण है, और अगर ये मामला बाकी किन्हीं और चीजों से या किसी और इंसिडेंट से या कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा है तो ऑब्वियसली पूरा देश ये जानना चाहेगा कि आफ्टर ऑल वो कॉन्स्पिरेसी क्या है और कौन कौन लोग उसके पीछे। इसके साथ ही ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे आफ्टर ऑल है कौन। किसी जमाने में बॉम्बे पुलिस में एक इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा होते थे जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते थे, और उन्होंने ही एक्चुअली सचिन वाजे की मेंटरिंग की। 1990 में इन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और गढ़चिरौली में जो नक्सलाइट इन्फेस्टेड एरिया है वहां पे इन्होंने काफी अच्छा काम किया। और पहली बार लोगों ने वॉच किया कि कॉम्बैट के लिए बड़े एंथुजियास्टिक रहते हैं, घबराते नहीं हैं। मीन्स पुलिस वाले जनरली काम उनका पुलिसिंग का होता है, कॉम्बैट से या एनकाउंटर को जनरली वो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस वहां पर नहीं होती, मगर ये कॉम्बैट से नहीं घबराते थे। और ये नोट किया गया, टोटल इनकी अभी तक 63 किलिंग्स हो चुकी हैं 1997 से 2004। आई विल मेक इट वेरी क्लियर कि ये किलिंग ऐसी हैं जो ऑफिशियली ऑथराइज हैं, एक्सेप्टेड हैं सिस्टम के द्वारा, और बेसिकली ये वो लोगों की किलिंग है जो बेसिकली कानून से भागे हुए लोग थे। 2004 में एक्चुअली सीआईडी ने इनको, बॉम्बे सीआईडी ने, महाराष्ट्र सीआईडी ने इनको नेल किया एक कस्टोडियल किलिंग के ऊपर जो कि घाटकोपर बम ब्लास्ट के एक्यूज्ड के रिलेशनशिप में थी, और जो एक्चुअल हुआ था 2002 में। तो उसके बाद जब ये सस्पेंड हो गए तो इन्होंने फिर पुलिस फोर्स से रिजाइन कर दिया और 2008 में इन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। आप देखिए, शिवसेना ज्वाइन कर ली और उसके बाद 2020 में एक हाई पावर्ड कमेटी बनी जिसमें एक्चुअली होम सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों मेंबर थे, और उन्होंने रिकमेंड किया कि चूंकि कोविड का टाइम है, पुलिस फोर्स की कमी है, तो इनको रीइंस्टेट कर दिया जाए। और ये रीइंस्टेट हो गए, और रीइंस्टेट होकर ये कहाँ, किस पोजीशन पे पहुंचे, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो बॉम्बे पुलिस की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है उसके ये हेड बन गए। वहां पर दो इंस्पेक्टर इनसे सीनियर पोस्टेड थे, उनको पोस्ट आउट किया गया, इनको हेड बनाया गया और इनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग पुलिस कमिश्नर को की गई। आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट आदमी बॉम्बे पुलिस के अंदर थे, कितने पॉलिटिकल लिंक्स थे इनके, और इनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग पुलिस कमिश्नर को थी, बीच में कोई हायरार्की नहीं थी। अब मैं जरा आपसे सचिन
वाजे की पर्सनल लाइफ स्टाइल के बारे में बात करूं, मींस 5 या 6 गाड़ियां हमेशा उनके अंडर कमांड रहती थी, और ये गाड़ियां काफी वीआईपी टाइप की गाड़ियां थी, इंपोर्टेड गाड़ियां थी। और खास बात ये है कि इनमें से कोई भी गाड़ी उनके नाम पे नहीं थी। और एक्चुअली जो स्कॉर्पियो उस दिन एंटीलिया के बाहर मिली है, उसको भी वो पिछले 1 या 2 महीने से ड्राइव कर रहे थे कंफर्टेबली विदाउट एनी इश्यू। और आप समझ सकते हैं कि उसमें कैश भी मिला है, उनकी जो मर्सिडीज गाड़ी जो आप सामने देख रहे हैं, जो आजकल वो यूज कर रहे थे, इसमें काफी हद तक आई बिलीव कि 5 करोड़ के आसपास का इसमें कैश मिला है, और एक नोट गिनने की मशीन भी मिली है। तो बेसिकली ये पैसा कहाँ से आ सकता है? कोई भी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, आफ्टर ऑल उसकी तनख्वाह कितनी होती होगी, और कैसे वो इस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करता है? तो पॉलिटिकल और पुलिस लिंक्स सब मिला के एक ऐसी पर्सनालिटी उभर के सामने आती है जो बम्बई पुलिस के अंदर कुछ भी कर सकता था, कोई भी डिसीजन ले सकता था। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट का हेड उसको रिइंस्टेट करने के बाद बना दिया गया, बहुत ही पावरफुल था, डायरेक्ट रिपोर्टिंग पुलिस कमिश्नर को थी। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा आदमी कितना पावरफुल है पॉलिटिकली और ब्यूरोक्रेटिकली, और ये बात मुंबई पुलिस के अंदर सब ही जानते हैं। मिडिल क्लास सोसाइटी जो महाराष्ट्र की है, और पूरे देश में हमारे ये सिस्टम है कि हम लोग ऐसे लोगों को बहुत लाइक करते हैं जो अपराधियों के अगेंस्ट में काम करते हैं। सचिन वाजे का भी लगभग यही एक स्टेटस बॉम्बे की मिडिल क्लास सोसाइटी में और पूरे महाराष्ट्र की मिडिल क्लास सोसाइटी में रहा है। उनके ऊपर पिक्चर बनी है रेगे। आप समझ सकते हैं, एक मराठी प्रसिद्ध सुपरस्टार ने इस पिक्चर में उनका रोल किया है। तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं तो व्यक्ति पूजा हम जरूर करते हैं, और सचिन वाजे एक्चुअली काफी लोगों के लिए वो रोल अदा करते थे। क्योंकि जनरली होता यह है कि जो पुलिस सिस्टम या जुडिशरी सिस्टम में जो इनएडिक्वेसी है, उस इनएडिक्वेसी को ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक तरीके से पूरा करते हैं, और इसलिए ये लोग काफी सचिन वाजे ने ये बात साफ तौर पर कबूल की है कि स्कॉर्पियो के अंदर एक्सप्लोसिव, और वो गाड़ी उन्होंने एक्चुअली अंबानी हाउस के सामने, एंटीलिया के सामने पार्क की, और उसी को वो वहां पर लेके गए। मैं इस बात की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि एनआईए भी उसमें आराम से सब चीजों का पता कर लेगी, स्पेशली जब मनसुख हिरेन की वाइफ ने साफ तौर पर ये एविडेंस या ये एक्चुअली स्टेटमेंट पुलिस को दिया है कि वो गाड़ी एक्चुअली पिछले काफी दिनों से इनके पास थी, सचिन वाजे के पास थी। तो ऑब्वियसली ये तो कनेक्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज इज के उसके अंदर जो एक्सप्लोसिव था वो वहां पर कहां से आया, कहां से लेके आए? एक्सप्लोसिव जनरली इस तरीके से अवेलेबल नहीं होता, तो सचिन वाजे के पास वो एक्सप्लोसिव कहां से आया, दैट इज नंबर वन। दूसरा, उस गाड़ी को वहां पर पार्क करने का इंटेंशन क्या था, और तीसरा, इस बात का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? अब सीधी सी बात है, किसी गाड़ी के अंदर एक्सप्लोसिव तो इट इज एज गुड एज ए सुसाइड बॉम्ब विच कैन बी यूज्ड एनीवेयर एनी टाइम अगेंस्ट एनीबॉडी। क्या इसका कोई टेररिस्ट एंगल है? और ऐसा क्यों हुआ कि सचिन वाजे जो कि एक कानून के रखवाले थे और वो कानून को तोड़ने वाले बने? ये बात ध्यान देने की है कि बॉम्बे पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसके ऊपर पिक्चर बनी, और कैसे वो सोसाइटी के अगेंस्ट में जा रहा है और क्यों जा रहा है, ये बात एक्चुअली ध्यान देने की है। अब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कट है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, बेसिकली जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे, और सोसाइटी से इन जनरल। सचिन वाजे क्या अपनी मर्जी से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया? क्या सोसाइटी की कोई रिक्वायरमेंट थी जिसने उसको हीरो बनाया? ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस बड़े इजी क्वेश्चंस नहीं हैं। पुलिस हिरार्की में जो थाने का इंचार्ज होता है वो काफी जूनियर लेवल पे होता है, एंड ही इज द वन हु इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन द एंटायर फंक्शनल हायरार्की।
इज एट द कटिंग एज लेवल, और वहां पे आपको किस कैलिबर के ऑफिसर को या हायरार्की के किस लेवल को पोस्ट करना चाहिए कि आप उसको रेस्पॉन्सिबल भी बना सकें और अपनी कटिंग एज को भी यूज कर सकें। ये एक सोचने का विषय है पुलिस लीडरशिप में, स्पेशली जो आईपीएस लीडरशिप है उसका पॉलिटिकल क्लास के साथ क्या रिलेशन है, और जो सबॉर्डिनेट लीडरशिप है जो थाना इंचार्ज है वो पॉलिटिकल क्लास के संपर्क में किस तरीके से आती है, और क्या वो एक डायरेक्ट अपना रेपो एस्टेब्लिश करके पूरे सिस्टम को हुडविंग कर सकती है। ये एक सोचने का विषय है स्पेशली जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं और जो लीडरशिप टीम है उसके लिए। क्या ये संभव नहीं है कि हम थाने में ऐसे रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स पोस्ट करें जो कटिंग एज का काम भी करें और साथ में सोसाइटी के लिए एक रेस्पॉन्सिबल रोल भी पैदा करें, क्योंकि जो कटिंग एज पर होगा वो सोसाइटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये लोग जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, एक ये सोसाइटी की हिडन रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, तो हमारे पास चॉइस है कि या तो हम अपना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को सही करें, उसको बैलेंस करके लेके आए, या फिर हम ऐसे ऑफिसर पोस्ट करें जो कटिंग एज पर भी रहें, क्रिमिनल्स को पनपने भी ना दें और साथ में रोग एलिमेंट ना बने। मैं सचिन वाजे के इस पर्टिकुलर केस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वहां पे तो एनआईए अपना काम करेगी ही जो कि उसका काम है, बट द पॉइंट इज कि कैसे सचिन वाजे इस स्टेज तक पहुंचे कि आज एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी उनके साथ लिंक की जा रही है और काफी हद तक वो पॉसिबल भी है ऐसा लगता है जो अभी तक एविडेंस साथ में या प्रेस में नजर आ रहे हैं। I may be wrong and I will be happy if I am wrong. But the point is कि जो सामने नजर आ रहा है उसमें क्लियर कट है कि कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, अदरवाइज सचिन वाजे एक एक्सप्लोसिव लेडन व्हीकल को लेकर वहां पर कैसे पहुंचे। मीन्स एक्सप्लोसिव इतने आसानी से अवेलेबल नहीं होते, ये पॉइंट मैं दोबारा बता रहा हूँ। और अगली बात जो है कि पुलिस कमिश्नर को उनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग थी, पुलिस लीडरशिप को काफी क्वेश्चंस हैं जो आंसर करने हैं, और उसी में मैं पुलिस लीडरशिप से और पॉलिटिकल लीडरशिप से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पुलिस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको एक बार फिर वो विजिट करें, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ सोचें, अदरवाइज हमारे पास ऐसे बहुत से सचिन वाजे क्रिएट हो जाएंगे और सोसाइटी प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। विद दिस कर्नल वीरेंद्र कुमार साइनिंग ऑफ।